गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूँ मोहम्मद सुहेल। और मैं हूँ जफर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं IPL के शॉर्ट वीडियोस। तो पिछले देखे थे वो ज़्यादा एक ही टीम के थे, इस बार भाई मिक्स हैं ज़्यादा। बाकी करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। बहुत इस दफा खतरनाक खतरनाक ये भी इस दफा आ रहा है। ये इधर ही RCB में इसका बल्ला बहुत खुलिया है। बॉलिंग करता मैक्सवेल मिचेल स्टार्क था। ओहो को मारो है कौन आने वाला है और वीडियो नाम बाज रहा है भाई हार्दिक का। आ जो जनाब ये किसने मारा है? ये भी डिविलियर्स है। पीछे 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 और डीजे ब्रावो एक सौ चार बॉल्स पर। ये वो कश्मीर का अच्छा वो विकेट तोड़ दे, टूट टूट गए। ये जा है सिराज और ये बॉल ये बहुत ही मारता लंबी वाली बहुत ही ये जा ये कौन सी टीम का वेस्ट इंडीज का। ओए यार किसने उठाया ओए होए होए ओ ओ और इंशाल्लाह ये बंदा बहुत खतरनाक है। ये लो है नगेड़ी नहीं है तो ओए हो नगेड़ी ने सही विकेट ली। बहुत सीधी है CSK हेलीकॉप्टर छक्का दिया शेर है
पानी का यार हार्दिक की डिमांड है बहुत गंजे पर लग जाती
बैटर्स ऑफ वो विलियमसन भी होता है कैप्टन होता है रात की तरफ खेलता है मिल्डर केदर आप तो भाई मैं शॉट देख रहा था बहुत शॉट प्यारा बना हुआ था लेकिन ये कि आज तो भाई सारी टीमें जो थी ना जितनी भी वो सब की सब आ गई हैं सब के शॉट्स थे लेकिन वो बंदा आज हमने देख लिया सैम कॉरन सैम कॉरन ही उसका नाम है ना जिसका भाई हमेशा इस बंदे ने एक बहुत सारी मिसालें दी है कि उसकी दादी के नानी मर गई मिसालें इसलिए दी थी वो एक मिसाल बनी थी बॉलर भी अच्छा है नहीं वैसे मैं बता रहा हूँ ना हमने फैमिली देख तो लिया पहले हमने नहीं भाई देखा था फिर बंदे का बंदा यार कमाल का वाकई उसके उसके बनते हैं इतने पैसे वो जब आता है लेकिन यार आज तो काफी लीजेंड थे डीजे ब्रावो उन्होंने तो यार पूरा एक सॉन्ग बनाया था जब वो जीते थे ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला कर बाकी यार इधर यकीन माने ना ऐसे तलवार की तरह काटते हैं हर बॉलर को या जो भी बंदा बाकी एक ना डीजे ब्रावो ने काफी एक सीजन खेले आईपीएल के और उसका बहुत सारा एक एक्सपीरियंस था काफी एक ना डीजे ब्रावो ने भाई काफी एक आईपीएल के सीजन खेले और काफी उनका एक एक्सपीरियंस आप देख ले वो काफी उसके मैच थे अच्छे थे और जो वो स्लो यॉर्कर मारते थे ना वो काफी मुश्किल होता था खेलना लेकिन भाई एक हार्दिक पांड्या ने जजमेंट की बाद में बहुत उसने छक्के इसको मारे उसको पता लग गया था कि यार ये एक के दो बॉलें ये मिस कर करना है तीसरा ये यॉर्कर जरूर मारेगा मारता भी स्लो था ये नहीं स्पीड से तो जजमेंट कर फिर काफी धोया था उसका आईपीएल का भाई काफी फायदा है एक ऐसा टैलेंट निकलता है जो आप सोच भी नहीं सकते आप शुभम गिल देख टैलेंट तो ठीक है निकलता है लेकिन ये जो रौनक उस वक्त लगती है ना यकीन करो लोगों की नजरें ऊपर ही होती होंगी यार T20 का मैच होता है और 20 ओवर में एक मतलब के पता नहीं चलता जो भी यार चुने प्लेयर होते हैं ये नहीं के मतलब के एक मैं आग निकलती होगी उधर बॉलर जो है ना वो निकालते हैं बॉलर भी मेन आगे से बैट्समैन भी छुरे जो आए, भी आए, एक, आए, मतलब के एक ओवर नहीं ऐसा गुजरता जिसमें एक एक तूफान ना उभरता हो यार असल यहाँ पता चलता है बंदे का जैसे भी है ना एक बॉलर हो या एक बैट्समैन हो जैसा भी है ना जब वो यहाँ तक फुल अपना जोर लगाता है देव सिंह को देखने वाला इवेंट है ना वो देखना बड़ा कमाल का होगा क्योंकि जितनी एक हाइपर क्रिएट हुई है ना उसकी आप कहना यार बात सुनो ना हाइपर हर साल होती है लेकिन इधर हमारे एक मीडिया ने वो चीजें बंद की हुई है पहले आईपीएल के हम मैच देखते थे डेली बेस पर दो तीन मैच जरूर एक दो तो पक्के होते थे ना लेकिन अभी काफी अफसोस होता है हमें तो भाई ऐप भी नहीं मिलता हम फेसबुक या और किसी चीज पर देखते हैं लेकिन काफी मैच देखने वाले होते हैं इंटरेस्टिंग और फाइट भी होती है एक इमोशनल भी होती है चीजें हर चीज आ जाती है क्योंकि आप देख लो ना कितनी भी टीमें उनके मतलब के चुने प्लेयर होते हैं मेन जो भाई मतलब एक चुने हुए प्लेयर और अभी जो है ना वो थोड़ा सा हाथ खुले हुए हैं सारे प्लेयरों के वर्ल्ड कप की ठीक है ना तो उस वजह से जो है ना वो देखना एक पीछे आर रेडी वो उनको पता है बल्कि वो जज कर चुके हैं सब कुछ है लेकिन ये कि यार इस दफा मुझे मैक्सवेल की लग रही है कि वो जिस तरह वो उसने धोना है ना इस दफा क्योंकि यार साबित होते हैं मैक्सवेल तो तीन प्लेयर का तो मैं कह सकता हूँ जो अभी मतलब T20 के इंडिया के अभी जो T20 में चल रहे हैं ना यकीन करो वो आप जसवाल की बात करें रिंकू सिंह की बात करें वो जो एक कैवर्ड क्या नाम है उस लड़के का क्या जिसका हाँ वो अभी जो ये लास्ट मैच में जो T20 में चला है रिंकू सिंह नहीं एक और है जिसने लास्ट जसवाल है अच्छा अच्छा लास्ट में यार, तो यार क्या हो गया अच्छा अच्छा उसकी बैटिंग इस दफा देखने का भी मजा आया जिसने 100 मारा था हाँ 100 प्लस मारे हैं बहुत खतरनाक है हाँ तो यकीन करें जब इस तरह के प्लेयर होंगे ना तो सारी बात है SKY स्काई की तरफ आ जाए ये स्काई असल नाम मुझे लगता है इधर ही पड़ा इधर ही पड़ा था आईपीएल में बड़ा भाई यार वो छक्का लगाते ही कमाल के केएल राहुल के छक्के देखने वाले होंगे यार बॉलिंग पे आए तो भाई बॉलर भी इस दफा टैट है जो आग निकालनी है ना मोहम्मद शमी ने आप बुमराह की तरफ आ जाए सिराज लेकिन यार इस दफा नहीं T20 में होता है कि बाउंड्रीज वगैरह और स्कोर लग ही जाते हैं जितना भी बॉलर खतरनाक हो ना कहीं से उसको स्कोर जरूर लग जाते हैं क्योंकि आगे से बंदे ने हिट करना होता है चाहे जो भी हो जाए और T20 और ODI में बहुत फर्क भी होता है
फर्क होता है, लेकिन ये कि यहाँ पे भाई एक टाइम शॉर्ट, लोगों को एंटरटेन करना होता है। लोग यहाँ पे ये टिप टिप देखने नहीं आते, जो टिप टिप टी खासकर ट्वेंटी में होती नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की टीम करती पाकिस्तान है। में, लेकिन खासकर जो इस तरह का इवेंट होता है, आईपीएल देख लो, आईपीएल ही देख लो, तो बहुत यहाँ वहां बड़ी पे लोग किस गेम लिए आते है। हैं? वो उन्होंने देखना ही सिर्फ भाई एक जो है ना वो धमाके हैं, तो धमाके वो धमाके बाकी उधर होते भी नहीं। हैं। इसमें ये जजमेंट हो जाती है ना कि जो अभी टीम में खेल रहे होते हैं ये आपस में खुद को कैसे फेस करते हैं, ये चीज भी देखने वाली होती है। अब आगे भाई विराट कोहली हो, इधर से हार्दिक पांड्या भाई बॉल कर रहा, फिर तो मजा आएगा देखने का, एक लोग एंजॉय करेंगे या नहीं। मोहम्मद शमी भाई बॉलिंग पर हो, आगे रोहित शर्मा हो, आए फिर आप भी देख ले कैसी फीलिंग होगी। तो दा, ये काफी इंटरेस्टिंग होता है, अलग ही मजा होगा। लेकिन यार कमाल के आज भाई मजा आ गया, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।